Allah 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 لله رب العالمين ولا للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى براء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. अठारहवें पारे की और सूरत अमिन की इब्तदाई आयात आपके सामने तिलावत की गई हैं और आज आपके सामने अठारहवें पारे के मजामी का ख़ुलासा और लब लबा पेश किया जाएगा सूरतिन मक्की मुबारक है इसमें एक सौ अट्ठारह आयात हैं छः रुकू हैं और तरतीब तिलावत के अतबार से ये तेईसवीं सूर्य मुबारका है इस सूरह मुबारका में हक़ तलाशाह ने उन बुनियादी सफ़ात को जिक्र फरमाया है कि जो बुनियाद सिफात एक बंद मोमिन के अंदर जरूर होनी चाहिए और उन सिफात को हक बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया मुसद अहमद में हज़रत अमर फ़ारूक रदी अल्लाहन नबी इरशाद गिरामी नकल करते हैं कि इस शुर मुबारक की जो पहली दस आयात हैं उन दस आयात के अंदर अल्लाह तिन सिफ़ात और खसूसियात को बयान फरमा रहा है अगर बंद मोमिन वफ़ात अपने अंदर पैदा कर ले तो वो सीधा जन्नत में जाने वाला होगा और सीधा जन्नत का वारिस बनने वाला होगा इसीलिए इस सूर मुबारक का नाम सूरून सूरतमून रखा गया हजरत आयशा रदी अल्लाह तह से एक मरतबा किसी ने यह सवाल किया कि आपकी सिफ़ात और आपके असाफ़ बयान फरमाइए तो हज़रत आयशा सदी रदी अल्लाह तह ने फ़रमाया कि आपकी ज़िंदगी में और आपके हयात मुबारक में वो असाफ़ बड़े कमाल तमाम के साथ मौजूद थे कि जो औसाफ अल्लाह तूरत के आगाज में इर्शाद फरमाए हैं और फरमाती हजरत आयशा कि ये दरअसल नबी करीम सलम ही के औसाफ थे और आप ही की खूसियात थी चुनाच अरसाद फरमायादअ अफलहमिन फ़ी सलात हिम ख़्वाशून बिला शुबा कामयाब हो गए वह अहल ईमान के जिन्होंने अपनी नमाज के अंदर खुशब पैदा कर लिया यानि यहाँ पर फलाह और कामयाबी का जो दारोमदार है वो एक तो ये कि अहले ईमान की फलाह और कामयाबी की बात हो रही है गोया फलाह और कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहली जो बुनियादी शर्त है या सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईमान है कि ईमान बंदे के पास होगा सिफत ईमान से वह मुतसफ़ ईमानियात के बाब में वो उन तमाम अकायद नज़रियात कायल होगा जिन नज़रियात कायल होना उसके लिए लाजमी और ज़रूरी है तब उसके लिए फ़लाह व कामयाबी जो है वो आगे चल कर मिलेगी अगर वो ईमान ही से महरूम है तो फिर ज़ाहिर है कि उसके लिए फ़लाह व कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है वो यूँ समझ लीजिए कि इस इम्तहान में ही बैठने के काबिल नहीं है और लायक नहीं है वो इस बात का एलिजिबल ही नहीं है कि वो इस इम्तहान में बैठे कामयाबी हासिल करना तो बहुत दूर की बात है चुनाचे ईमान सबसे पहली कड़ी है ईमान सबसे पहली शर्त है इस कामयाबी को हासिल करने के लिए उसके बाद जो अमली शरायत हैं उन अमली शरात में सबसे पहली शर्त यह बताई गई कि हम फी सलातम ख़्वाशन के वह अपनी नमाजों के अंदर खुशु करने वाले हैं यानी नमाजों को बड़ी तोज्जो से अदा करने वाले बड़ी तोज़ों के साथ अदा करने वाले झुककर अदा करने वाले अदब व अहतराम के साथ अदा करने वाले ये सारी की सारी नमाज में खुशू की सिफात या यूँ कह लीजिए कि खुशु पैदा करने वाली चीज़ें हैं जितने अदब व एहतराम से नमाज अदा की जाएगी जितनी तवज्जो से नमाज अदा की जाएगी वो उतनी ही खुशु वाली इबादत और खुशु वाली नमाज कहलाएगी यहाँ एक बात सूफिया की मैं नक़ल करता चलूँ आगे बढ़ने से पहले कि ये बात जहन में रखिए कि नमाज में ख़्याल आते हैं ख़्याल का आना कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही इसमें कोई गुनाह है अलबत ख़्यालत का लाना ग़लत है खलत का लाना क्या मतलब है कि इंसान शुरूरी तौर पर अपने तौर पर कुछ सोचने की कोशिश करे नमाज के अंदर या ये कि कोई ख्याल आए तो उस ख्याल को आगे बढ़ाने और उस ख्याल को डेवलप करने की कोशिश करे एक तो सूरत यह है कि ख्याल आया और आके गुज़र गया उसने कोई तवज्जो नहीं की उस ख्याल की जानेब तो ये खुशू के ख़िलाफ़ नहीं है लेकिन अगर कोई ख्याल आया और ख्याल आने के बाद उसने उस पर आगे सोचना शुरू कर दिया और उसकी तवज्जो उस ख़्याल की जानिब हो गई नमाज से हट गई तो इसका मतलब है ये नमाज में खुशु के ख़िलाफ़ है तो लिहाजा नमाज में खुशु यानि तवज्जो का होना और इसके लिए जो बड़ी बेहतरीन तालीम है या यूँ कहिए कि बेहतरीन तरीक़ा है वो तरीक़ा ये है कि हर नमाज नमाज के हर रुकन के अंदर निगाह की बात की गई है कि आपको निगाह कहाँ रखनी है मिसाल के तौर पर कयाम की हालत है तो कयाम हा। तो की हालत में सजदे की जगह पर निगाह होनी चाहिए रुकू की हालत में क़दमों की तरफ निगाह होनी चाहिए अतहियात में बैठे हुए तो इंसान को अपने हाथों की जानब जो उसकी गोद में रखे हुए हैं उनकी जानब निगाह होनी चाहिए सलाम फेरते हुए दाएँ कंधे की जानब और बाएँ कंधे की जानब निगाह होनी चाहिए अगर इंसान अपनी निगाह को यूँ मरकूज कर ले और जहाँ जिस जिस रुकन में जहाँ निगाह रखनी है वहाँ निगाह रखे तो तवज्जो का बहुत सा मरहला तय हो जाता है दूसरा मरहला तवज्जो का होता है कि जो भी पढ़ है इंसान थोड़ा सा उस पर गौर करे उसको ज़रा जैसे अनाड़ी लोग पढ़ते हैं ज़रा सोच सोच के ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ज़रा इतमान से तो अगर मानी पर गौर कर सकता है तो मानी पर गौर करे ये सारी चीज़ें इंसान के नमाज में खुशु पैदा करने वाली होती हैं चुनाच नमाज में खुशु पैदा करे दूसरी सिफत ये बयान फरमाई कि वलिन लगव वो ल़ से एराज करते हैं लव का मतलब ऐसी हरक़त या ऐसे अफ़ाल होते हैं ऐसे आमाल होते हैं जिनका इस दुनिया में भी कोई फ़ायदा नहीं है और आखिरत में भी कोई फ़ायदा नहीं है यानी वह अमाल उसकी सेहत के लिए भी कोई ऐसे ज़रूरी या कोई ऐसे मुफीद नहीं है या उसके लिए कोई रिज का सामान भी नहीं है और ना ही वो अमाल कोई इबादत के दर्जे के और नेकी के दर्जे के हैं ऐसे फ़जूल अमाल के जिन में ना दुनिया का कोई फ़ायदा है ना आखरत का कोई फ़ायदा है ऐसे फ़जूल अमाल से वो परहेज़ करते हैं और अपने आप को बचाते हैं वल्लिन हमल ज़क़त फ़ाइलून तीसरी सिफत ये बयान फरमाई कि वो ज़क़़त का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं वलजी हमल फ़रूज हम हाफिजून अपनी इज्जत वसमत की हिफाजत करते हैं इल्ला अला अजवाजह ममा मलकतम फ़ैन गैरुमलोमिन हाँ असवाज के साथ उनका मामला और है फमनबअराजाल फलाक उदून अजवाज के अलावा अगर वो कोई और इस तरह की हरकत करेंगे तो वाक़ जो है गुनाह के मरतकब और गुनाह का अरतिक करने वाले होंगे वलीन हमल अमानातम वाहद हमराउून पाँचवीं और छठी सिफत ये बयान फरमाई कि अपने अहद पैमान की भी रिवायत करते हैं और जो अमानतें उनके पास रखवाई जाएं या जो मनसब उन्हें दिया जाए वो बतौर अमानत उसको इस्तेमाल करते हैं और उसकी रियायत करते हैं वल्ल हम अतिम युहाफ़ून और सातवीं और आखिरी सिफत ये बयान फरमाई कि अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं नमाज से ही बात शुरू हुई थी और नमाज ही पर बात मुकम्मल हो रही है कुल सात सिफात हैं ईमान के बाद जो ज़िक्र फरमाई गई नमाज में खुशु से बात का आगाज़ हुआ और नमाज की हिफाजत पर बात आकर मुकम्मल हुई नमाज में खुश का मतलब है नमाज की जब अदायगी हो तो तवज्जो के साथ हो एहतमाम के साथ हो और नमाज की हिफाजत का मामला ये हुआ कि नमाज की अदायगी एक तसलसल के साथ एक आदत के तौर पर हो इंसान यूँ ना हो किसी वक्त पढ़ ली और किसी वक्त छोड़ दी किसी वह मुश्किल में है कोई दुआ करनी है परेशानी है तो नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी और परेशानी टल गई आसानी आ गई तो नमाज़ें छोड़ दी ऐसा ना हो बल्कि नमाज इंसान की ज़िंदगी का उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए उसके कल्चर का हिस्सा होना चाहिए तो नमाज की ऐसी हिफाजत होनी चाहिए इन सिफात को बयान करते हुए हक तशान अरसात फरमाते कि देखो ज़रा अपनी तख्लीक पर गौर करो अल्लाह तुम्हें कैसे पैदा किया किस तरह से पैदा किया तुम्हारी तख्लीक के मराहिल किस तरह से गुजरे और इन तमाम तखलीकी मराहिल से गुजरने के बाद तुम्हें एक दिन मरना है लमयतून ये एक तयशुदा बात है बड़ी ताकिद के साथ इसको इरशाद फरमाया गया कि इसके बाद यानी इस ज़िंदगी को गुजारने के बाद आखिरकार तुम्हें मरना है कितनी ज़िंदगी है ये किसी को नहीं मालूम किसी की पचास साल की ज़िंदगी है किसी की साठ साल की ज़िंदगी है कोई चालीस साल में ही चला जाता है कोई बीस साल में ही चला जाता है कोई सौ साल तक जिंदा रहता है तो ज़िंदगी गुजारने के बाद बहरहाल इस दुनिया से तुम्हें तो रुखसत होना है ये एक ऐसी हकीकत है एक ऐसा मामला है कि जिसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता मसला ही नहीं है कि वो इनकार कर सके ये माम, ये इम्कान ही नहीं है कि वो इनकार कर सके सुम्मा इन नकुम योमल क़ियामत तुबास जिस तरह तुम मौत का इनकार नहीं कर सकते यहाँ से इस दुनिया से जाने और रुख्सत होने का इनकार नहीं कर सकते इसी तरह तुम कयामत के बरपा होने और कयामत में दोबारा अल्लाह के सामने पेश होने का भी इनकार नहीं कर सकते वो भी ऐसी ही अटल हकीकत है कि जिस तरह तुम्हारा पैदा होना इस दुनिया में आना और जिंदगी गुजारना एक अटल हकीकत है इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार कर मरना एक अटल हकीकत है इसी तरह रोज़ क़यामत दोबारा ज़िंदा होकर अल्लाह के सामने पेश होना यह भी इसी तरह की एक अटल हकीकत है तुम्हारा इस पर भी इसी तरह का ईमान और यकीन होना चाहिए जिस तरह इन सारी बातों पर ईमान है अल्लाह की ताकत है अल्लाह की कुदरत है कि जिस अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसमान बनाए ज़मीन बनाई इस ज़मीन के अंदर पैदावारी सलाहियतें और मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा फ़रमाईं इन मखलूक़ात से तुम किस तरह से फ़ायदा उठाते हो फशाह ना लकुम भी मिन नखील व आनाब लकुम फ़िहा फवा केसरत अमिन ताकुलून ज़मीन की पैदावार सलाहियत है इस पैदावार सलाहियत से तुम खजूरें भी खाते हो अंगूर भी खाते हो सेब और फल और तरह तरह की चीज़ें रिज्क और मेवाजात तुम खाते हो ये सब चीज़ें इसी तरह जानवर हैं चौपाए हैं गायें हैं बकरियां हैं सारे चौपाएँ हैं उनसे तुम फ़ायदा उठाते हो किसी पर सवारी करते हो किसी को खाने के लिए इस्तेमाल करते हो किसी को ज़ेबीनत और शिकार के लिए इस्तेमाल करते हो ये सारी मखलूक़ हैं जो अल्लाह तुम्हारे लिए पैदा की हैं और तुम इन मखलूक़ से भरपूर फ़ायदा उठाते हो तो अल्लाह तब इतनी मखलूक़ात इतने इनामत इतनी चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा कर रहा है तो अगर अल्लाह तुझ अहकाम देता है कुछ तकाज़े और कुछ मुतालबे करता है तुमसे कि ऐसी ज़िंदगी गुजार लो तो इसमें ऐसी कौन सी अचंभे की बात है कौन सी ऐसी हारत की बात है जिस अल्लाह ने तुम्हें इतने इनाम दिए हैं ज़िंदगी के अंदर कि वह इन तवद्द ने मतलह के इन इाम को तो शुमार करना शुरू करो शुमार नहीं कर सकते तो फिर अगर कुछ लम्हों के लिए अल्लाह की इबादत का हुक्म तुम्हें दे दिया गया है चुनाचे इस ज़मीन में अल्लाह के जो आबदीन ज़ाहिदीन हैं अल्लाह के बियाए सबक़िन आलुमसम हैं उनकी बात की जा रही है हज़रत नाम की बात हो रही है कि फ़ाओ नफ़ुल्कब आय ना वाहिन हमने उन्हें वही की ये वाक़ा पहले भी गुज़र चुका है कि अल्लाह ताली ने हज़रत नाम से कहा कि कश्ती बनाओ और हज़रत नाम ने अल्ला केकुम अल्लाह की वही की रोशनी में और अल्लाह की निगरानी में ये कश्ती बनाई और इस कश्ती की पैमाइश पहले भी मारज कर चुका हूँ कि 525 फीट पच्चीस फिट ये लम्बी है और छियासी अशारिया छः यानि साढ़े छियासी फिट ये चौड़ी है और बावन फिट छः इंच यानी साढ़े बावन फिट ये बुलंद वाला थी ये इस कश्ती की पैमाइश थी और अल्लाह ताला ने कहा कि इस कश्ती के अंदर यूँ करो कि अपने तमाम मानने वाले और हर जानवर का एक एक जोड़ा जो है वो इसके अंदर रख लो चुनाच हज़रत नू आलाम के बाद जितने भी इंसान हैं वो सारे उन्हीं इंसानों की औलाद हैं कि जो इंसान हज़रत अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हो गए थे यही वजह है कि हज़रत अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है हज़रत अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हुए तो एक दुआ तो वो थी जिसका ज़िक्र पहले आ चुका है और वो क्या थी कि बसमिल्ल मजरेहा व मुरसा हाबीआफर के अल्लाह के नाम के साथ इसका चलना इसका रुकना सब अल्लाह के लिए और अल्लाह के नाम के साथ है बेशक वो मेरा परवरदिगार बड़ा गफूर रहीम है इसके साथ सफ़र का आगाज़ हुआ और सफ़र का अख्तिताम और उसकी तकमील किस दुआ पर हुई रबनी मुंजलम मुबारकमतुलमंजलिन के ए मेरे परवरदिगार मुझे अच्छी मंजिल के ऊपर उतारना अच्छी मंजिल के ऊपर पहुँचाना तो बेहतरीन मंजिल देने वाला और मंजिलों पर पहुँचाने वाला है ये दुआ बिसमिल्ल ही मजरहा व मुरसा हमें भी अपने सफ़र के आगाज़ में जब हम गाड़ी में बैठें जहाज़ में बैठें और सफ़र का आगाज़ करें तो ये दुआ पढ़ें सुबहान लजिशर हाजा ये दुआ भी रसोल्ला वसलम से भी मनक़ूल है और ये बिसमिल्ला मजर यह हज़रत नूसम की दुआ है और जब हम सफ़र का अख्तितमाम करें और अपनी मंजिल पर पहुँचें तो ये दुआ पढ़ें रब अनजिलनी मुंजलम मुबारकम व अन तख़ैरमंजलिन चुनाच हकता शाह नूँ इस बात को बयान करते हुए फिर उसी बात को बयान कर रहा है कि कौमों में ये एक तरीक़ा रहा और ये रिवाज रहा कि जब अल्लाह के अम्बिया आलिम्सल्लामाम आए तो इन अम्बिया आलिम के हवाले से ये इश्काल और ये सवाल ज़रूर उठा कि माँ हजा बशरु मिसल़लुबा शरबुम वलिनता तुम बशर मिसलक़न कि भाई ये किस तरह का इंसान है ये वही चीज़ें खाता है जो हम खाते हैं वही चीज़ें पीता है जो हम पीते हैं तो ये हमारा रहनुमा कैसे बन गया ये हमारे ऊपर कुछ अपनी फोकियत और बरतरी जिताना चाहता है ऐसी कोई बात नहीं अल्लाह फरमाता है देखो अगर ऐसा इंसान तुम्हारा हादी और रहनुमा ना होता कि जो वो खाता है जो तुम खाते हो वो ही पीता है जो तुम पीते हो तो वो तुम्हारा हादी और रहनुमा फिर कैसे बन सकता था तुम्हें तो शदीद नुकसान हो जाता शदीद खसारा हो जाता तुम उस हादी के पीछे कैसे चलते उसको फॉलो कैसे करते कि जो वो खाता है वो तो हम खा ही नहीं सकते या ये कि वो भूख का मोहताज ही नहीं है हम भूख के मोहताज हैं हम कैसे खाना छोड़ सकते हैं उसकी इतबा और पैरवी में तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए हादी और रहनुमा इंसान ही को बनाया ताकि इंसानों के लिए उसका अमल एक है। अमल हो और इंसान उसकी इतबा और पैरवी कर सकें चुनाच हक तशाह ने फरमाया कि ये देखो खाना पीना ये किसी के घटिया होने की अलामत तो नहीं है ये तुमने कैसे सोच लिया कि अगर कोई शख्स खाता पीता है तो इसका मतलब है वो कोई लीडर या रहनुमा या महबी रहनुमा बनने के काबिल नहीं है ऐसा नहीं है ये खाना पीना कोई इस तरह की बात नहीं है कि जिससे इंसान का मर्तबा इंसान का दर्जा जो है वो नीचे गिर जाता हो या यूहर रसुलिनत तो ये बात इबाम अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को ख़िताब करके ये बात इरशाद फरमाई है कि जो पाकीज़ा रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है इसलिए कि ये सारे रिस्क जो अल्लाह ने पैदा किए हैं ये हमारे ही लिए तो पैदा किए हैं सखर वलकुम माफ समावा मा ज़मीन व आसमान में जो कुछ है वो हमारे लिए तो अल्लाह ने पैदा किया है तो हमारे लिए ये मना कैसे हो सकता है हाँ जो चीज़ें मना हैं अल्लाह ने वो बतला दी कि भाई ये ये चीज़ें हैं ये ना खाओ ये भी एक इबिला और आजमाइश है कि अल्लाह ने पैदा की हैं लेकिन खाना नहीं है उन्हें ये भी कहा जाता है ना आजकल के हमारे लोग ये कहते हैं कि साहब अल्लाह ताला ने सुर को जब हराम करार देना था तो उसे पैदा ही क्यों किया वो पैदा ही ना किया जाता यही तो आजमाइश है यही तो इम्तिहान है कि अल्लाह ने पैदा किया है अल्लाह ने गाय बकरी भी पैदा की है अल्लाह ने स् भी पैदा किया है गाय बकरी खाने की, की इजाज़त दी है स्वर के खाने से मना कर दिया ये इम्तहान और आजमाइश है कि अब देखें कौन इस अल्लाह के हकम की पैरवी करता है और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है और कौन अल्लाह के अकाम की नाफरमानी करता है यही असल में इम्तहान है इंसानी ज़िंदगी का इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि हुधीक समावल सौरावल अफ कली लम्मा तस्करून व हुधि ज़रा फ़िलदिल तोरून के अल्लाह तुम्हें सुनने की ताकत दी अल्लाह ने तुम्हें देखने की ताकत दी क़त बसारत दी अल्लाह ने तुम्हें दिल और दिमाग दिया सोचने और समझने के लिए कली लम्बा तस्करून लेकिन तुम इन सलाहियतों को को इस्तेमाल करते हो इनसे फ़ायदा उठाते हो लेकिन अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते ना अक्ल इंसानी को इस्तेमाल करके इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना अपने क़वत समाज से काम लेकर अपने इरादे और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाकर ना क़त मुशाह और देख कर जो चीज़ें उसको मिलती हैं उनको देख कर वह अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला होता है हालाँकि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जितना इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसको नेमतों में इजाफा करता चला जाता है और वो शुक्र क्या है कुल मबाव सब सब व रबुलरशिला ये जो लोग जो अल्लाह का इनकार करते हैं अगर आप इनसे ज़रा पूछें इनसे एक सवाल करें और सवाल ये करें कि मरबु मर ये सात आसमानों का परवरदिगार कौन है अरश अजीम का परवरदिगार कौन है कौन है लिल्लाह तो वो कहेंगे कि अल्लाह ही परवरदिगार है ये एक ऐसा मामला है एक ऐसी नेचर है एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने हर इंसान की फ़ितरत के अंदर रखी हुई है हर इंसान इस बात को समझता है ये उसकी फितरत का तकाजा है कि ज़मीन आसमान का खालिक, ज़मीन व आसमान का परवरदिगार और इसको पालने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की हस्ती है और अगर इनसे तुम दूसरा सवाल ये करो कि मम यदि ही मलकूत वाले, ज़रा ये बतलाओ कि ये जो कायनात का सारा निज़ाम चल रहा है कायनत के इस निज़ाम के ऊपर ऑर्डर किसका चल रहा है हुकूमत किसकी चल रही है हकम किसका चल रहा है वो कौन है जिसका हुक्म जारी हो जाता है लेकिन उसके ऊपर किसी का हुक्म जारी नहीं हो सकता वो हस्ती और ज़ात कौन सी है कि जिसके ऊपर आप किसी का हुक्म जारी नहीं कर सकते अलबत् वो अपने अहकाम सारी मखलूक़ात के ऊपर जारी करता और चलाता है तो ये लोग ये कहेंगे सैकूल कि वो अल्ला ही है कि जो ऐसी हस्ती और ज़ात है कि जिसके ऊपर हुक्म चलाने वाला कोई नहीं है लेकिन वो अपने हुक्म को पूरी कायनात और पूरी दुनिया के ऊपर चलाता है पूरी दुनिया और पूरी कायनात में कोई ऐसी हस्ती और कोई ऐसी बात नहीं है कि जहाँ अल्लाह का हुक्म ना चल सकता हो इल्ला ये कि अल्लाह ही ने कोई इख्तियार दे दिया जैसे इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दे दिया कि फालम फजू रहा व तकवाहा चाहे तो अल्लाह का हुक्म मान ले और उसके मुताबिक चले और चाहे तो अल्लाह के हकम के ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे दोनों सलाहियतें अल्लाह ने दे दी हैं लिहाजा अल्लाह ताला अपनी तुदरत खालिकियत के मज़ामीन को बयान करता है और ये बात बतलाता है कि देखो रोज़ क़यामत का यकीन और तसुर अपने अंदर पैदा रखना और उस दिन क्या होगा फ़ैज़ा नुफ़ सूरी फ़लामयलायत अलून कि जब कयामत का सूर फूच फूका जाएगा और सब इंसान अल्लाह के सामने पेश होंगे तो वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा तुम कौन हो किसके बेटे हो तुम्हारा नसब क्या है किस ख़ानदान के हो ये सवाल नहीं होगा वहाँ वहाँ सवाल होगा कैसा सवाल होगा फमन सकुलत मवाजिन हूँ फ उलाक जिसका नेकी का मीज़ान अमल भारी हो जाएगा जिसके पास नेकियों का अमल नामा और आमाल नामा बेहतर होगा और भारी होगा वो कामयाब होगा वमन खफ़त मवाजी हूँ और जिसका मीज़ान अमल ये नेकियों वाला हल्का रह जाएगा फ़ौलाकलिन खसरफुसूम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून वो इंतहाई खसारा और नुक़सान उठाने वालों में से होगा और हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बन जाएगा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो इस तस्वूर के साथ ज़िंदगी गुजारना कि एक दिन हमें अल्लाह के सामने पेश होना है और अल्लाह के सामने पेश होकर हमें एक, एक एक अमल का जवाबदेह होना है हमारी एक एक नेकी अल्लाह के यहाँ रिकॉर्ड हो रही है अल्लाह के यहाँ लिखी जा रही है महफूज हो रही है और फिर एक दिन आएगा कि जब अमल कायम हो जाएगी अल्लाह की तराजू अदल कायम हो जाएगी और उस तराजू अदल के अंदर हमारी नकियाँ भी तोली जाएंगी हमारी बुराइयाँ भी तोली जाएंगी एक राय के बराबर अगर नेकी होगी तो वो भी आमाल में मौजूद होगी एक राय के बराबर बुराई होगी की होगी तो वो भी आमाल। ना कोई ना करदा बुराई आमाल में डाली जाएगी और ना की हुई कोई नेकी ज़ाय की जाएगी एक एक नेकी का इंदराज और रिकॉर्ड उसमें मौजूद होगा एक एक बुराई उसमें दर्ज होगी का की जजा और बदला तो अल्लाह ताला ज़रूर देगा बुराई का मामला यह है कि बुराई पर अल्लाह चाहे तो सजा दे दे चाहे तो माफ फरमा दे ये चीज़ जो है तुम्हें अपने तस्वुर में और अपने ख्याल में और अपनी जिंदगी के अंदर रखनी चाहिए फतख तुम शखरिया हत्सव जिक्री वकुम तुम मिनहुम तकून तुमने तो मज़ाक समझ लिया खेल समझ लिया कि ये ऐसी दास्तानें हैं पहले से चली आ रही हैं कि कियामत आएगी क़्यामत बरपा होगी नामा माल होंगे हिसाब किताब हो, कैसे होगा क्या होगा एक वो आसिब ने वायल एक हड्डी ले आया किसी कब्रुस्तान से को बहुत बोसीदा सी उस हड्डी को एक हाथ से तोड़ कर यूँ बना बना के उड़ा रहा है और कहता है मैं जामा वही रमीम इस बोसीदा हड्डी के अंदर कौन जान डालेगा कौन है जो इसमें ज़िंदगी पैदा करेगा तो हक तला जल्लाशाह फरमाते है, कुल यूी शाह मर्रा इसको बता दो कि जिसने पहली मरतबा इसमें ज़िंदगी पैदा की थी वही खुदा दूसरी मरतबा भी जिंदगी पैदा कर देगा ये कौन सा मसला है लिहाजा अल्लाह ताला तुम उसका मजाक बनाते हो तुम उसका तमशर करते हो हालांकि होगा ये कि तुम एक दिन कबर में पहुँचोगे और फिर जब खबर से उठाए जाओगे तो तुमसे पूछा जाएगा हाँ भाई तुमने कितना अर्सा गुजारा कबर में तो तुम कहोगे कम लबिस तुम फिर सनीन कितने साल गुजारे तो तुम कहोगे लबिस ना यो मनो बा एक दिन का कुछ हिस्सा गुजारा है हमने खबर में हालांकि बरस हा बरस गुजारे होंगे तुमने कब्र में पता नहीं हज़ारों बरस गुजारे होंगे सैकड़ों बरस गुजारे होंगे तो अब अल्लाह की हुकूमत है अल्लाह ताला ही असबाब है अल्लाह ताला ही तुम्हारी मगफरत का कुछ सब कर दे लिहाजा अल्लाह से पनाह मांगते रहना अमल साले करते रहना और ये कहते रहना वक़ुर रबरहम त्राहिमीन ए परवरदिगार हमारी मगफरत फरमा हम पर रहम फरमा तो बेहतरीन रहम करने वाला है तेरा रहम रहम्रम होगा तो हम नेकियों के साथ रहेंगे और वे नेकियां हमारी महफूज रहेंगी और रोज़े कयामत हम तेरी तरफ़ से निजात के और तेरी रज़ा और खुशनुदी के हासिल करने वाले होंगे इन मजामीन के साथ सूरतुल सूरतमून के मजामीन का अख्ताम होता है सूरतनूरू का आगाज़ होता है सूरत नूर मदनी सूर मुबारका है इसमें चौंसठ आयात हैं और इसमें नौ रुकू हैं इस शुर मुबारक में माशरती पाकिजगी के अहकाम को जिक्र किया गया है कि माशरे को कैसे पाकिज़ा बनाना है और कैसे पाकिजा रखना है माशरे की पाकिजगी में दो बातों का बड़ा अहम किरदार होता है एक किरदार तो होता है माशरे की पाकिजगी में नसब का ख्याल और नसब का एहतराम कि एक पैदा होने वाला जो बच्चा है आज पैदा हुआ है उसके नसब के मुतालिक ये बात कामिल यकीन से कही जाए कि ये फ़ला की औलाद फ़ल इसका बाप है फ़ल इसकी माँ है ना उसके बाप के, के हवाले से कोई शकु को शुभात हो ना उसकी माँ के हवाले से कोई शकु को शुभात हो ये नसब की हिफाजत है कि नसब की हिफाजत इस तरीके से हो कि जो पैदा होने वाला बच्चा है उसके पाकिज़ा होने और उसके साबित नसब होने का बिल्कुल यकीन और बिल्कुल कामिल यकीन हो। एक तो ये बात है दूसरी इस इस सिलसिले में जितने भी अहकाम हैं कि नसब को मज़बूत रखने और पाकिज़ा रखने के लिए जो जो जहकाम हैं वो इस शूर मुबारक में बयान किए गए दूसरी जो चीज़ है जो माशरे की पाकिजगी और माशरे की तथहर के लिए बड़ी ज़रूरी है और वह अहकाम भी इसी शूर मुबारक में है के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ एक दूसरे के हवाले से ख़बरें फैलाना और अफवाहें फैलाना एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना तोहमतें लगाना इतहाम लगाना ये जो रवैये हैं ये माशरती पाकिज़गी को बहुत ख़राब करने वाले रवैये हैं अगर आप को पाकिज़ा बनाना और पाकिज़ा रखना चाहते हैं तो इन रवैयों से इजतनाब और परहेज़ करना होगा कि कभी किसी के ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगाना किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगानी किसी के ऊपर बहुतान नहीं लगाना ये माशरे की पाकि या किसी के हवाले से गलत ख़बरें नहीं फैलानी ये माशरे की पाकिजगी को मुतािर करने वाले अवामिल होते हैं लिहाजा इन दो दोल के हवाले से बतौर ख़ास इस शुर मुबारक में एक ख़ास वाक़े का भी जिक्र है इन शफसल आपके सामने आएगी और इसी तरह से अहकाम का भी जिक्र है चुनाच फरमाया सूरत व फ़रा व अनना फ़ीहा आयात बनातम उन अहकाम के बयान करने से पहले हकानो इस सर मुबारक की फ़ज़ीलत और अजमत बयान कर रहा है कि ये सूर मुबारक बड़ी अज़ीम सूर मुबारक है इसमें अल्लाह के अहकाम नाजिल हुए हैं और ऐसी आयात बीनात ऐसी वाज आयात अल्लाह तरफ़ से आई हैं कि ताकि तुम उससे नसीहत हासिल कर सको तुम अहकाम को समझो उन अहकाम पर अमल करने की कोशिश करो उस निज़ाम को समझो उस निज़ाम को अपने अंदर बरपा करने की कोशिश करो चुनाच अहकाम का सिलसिला शुरू होता है तो सबसे पहले हद जना को बयान किया गया और उस हद जना को बयान करते हुए अर्षात फरमाया गया अज़ानियत वानी फ़जल्दुक वाहिद मन में अत कि जिना करने वाला इस फेल का इरतक करने वाला मर्द हो या औरत दोनों को सौ सौ कोड़े मारे जाएंगे इसको हम कहते हैं हद ये शर सज़ा है हद का मतलब ये होता है कि शरीयत एक ख़ास जुर्म के ऊपर एक ख़ास सजा मुतन कर दे जैसे इससे पहले सूरत के अंदर हमने सरक़े की चोरी की सज़ा का मामला पढ़ा कि सारे को सारे को वारे को तो फ़क्ता चोर का हाथ काट दो इसी तरह मुहारबे की और डकैती की सज़ा बयान की गई यहाँ भी ये सज़ा जना के फेल की बयान की गई है और इसको हद ज़ना यानी जना की सज़ा कहा जाता है सज़ा के मामले में या हदूद के मामले में जो बुनियादी फ़लसफ़ा है या बुनियादी रूह है ज़रा उसको समझने की ज़रूरत है और वह बुनियादी रूह यह है कि जितना जुर्म सख्त होगा जितने जुर्म की कबाहत ज़्यादा होगी और बुराई ज़्यादा होगी उस पर सज़ा उतनी ही सख्त होगी और इसी की दूसरी कड़ी और अगली कड़ी यह है कि जितनी सख्त सज़ा होगी उस पर गवाही का जो मैार है या गवाही का जो निज़ाम है वो भी उतना ही सख्त होगा चुनाच जिना का फ़ैल ये ऐसा फ़ैल है कि जो शरीय की नज़र में इंतहाई कबी फ़ैल है कत्ले इंसानी भी शायद इतना कभी नहीं है जितना कभी ये फेल है अल्लाह की नज़र में और शरीय इस्लामिया की नज़र में लिहाजा इसकी सज़ा बड़ी सख्त है और वो सौ कोड़े हैं। और फिर इसमें मज़ीद ये बात है कि इस पर जो गवाही का निज़ाम है वो गवाही का निज़ाम भी बड़ा सख्त है आम तौर पर दो गवाहों की मौजूदगी से हदना यानी चोरी की सज़ा है जो दो गवाह अगर चोरी के गवाह बन जाएँ और यह गवाही दें कि हाँ इस शख्स ने यह चोरी की है तो वो सज़ा नाफिज हो जाएगी लेकिन जना की हद दो गवाहों से नाफिज नहीं होंगी चार गवाहों की गवाही ज़रूरी है कि वो पूरी शहादत के साथ पूरी गवाही के साथ और इसी तरह से अगर अकरार जुर्म कर रहे हैं इस फ़ेल का इरतक करने वाले तो वह चार मुख्तलिफ़ मजलिसों में आकर काजी के सामने इकरार करें और ये बतलाएँ कि हम बकायमी होश ववास ये इकरार कर रहे हैं कि हमने इस फ़ैल का इरतकाम किया है तब यह हद जाफ़ होगी ये फ़ैल इंतहाई कभी लिहाजा इस पर सज़ा भी इंतहाई सख्त और जब सज़ा इंतहाई सख्त तो इस पर गवाही का मीर भी इंतहाई सख्त और इंतहाई मीरी और फिर मज़ीद ये बात कि देखिए अगर कोई शख्स किसी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है और वह इल्ज़ाम ग़लत होता है झूठा सबित होता है तो इल्ज़ाम लगाने वाले को कोई सज़ा नहीं दी जाती लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है और वो मामला क्या है कि अगर कोई शख्स किसी के ऊपर ज़िना का इल्ज़ाम लगाता है और वो जिना का इल्ज़ाम झूठा साबित होता है तो अब इस इल्ज़ाम लगाने वाले के ऊपर हद जारी होगी और वह क़ज़फ़ है जिसको यहाँ हक्ता शाह नू ने सूर नूर की चौथी आयत ब बयान फ़रमाया फरमाया, फरमाया व्ली यरमून अलमसनाक फ़ज लदानी नतम तकबल शहादत अबदा व उमफास्कून तीन सज़ाएँ दी जा रही हैं वो तीन सज़ाएँ क्या हैं जिना का इरतकब करने वाले को एक सजा है लेकिन जिना का झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले को तीन सजाएँ दी जा रही हैं और वो तीन सजाओं में से सबसे पहली सजा क्या है फ़ज समानी न जलदा अस्सी कोड़े मारे जाएंगे उसको नंबर एक वला तकबलो लहुम शहादतन अबदा और आइंदा वो शहादत देने और गवाही देने के काबिल नहीं रहेगा अब बतौर दवा गवाह वो किसी मुकदमे के अंदर काजी के सामने पेश नहीं हो सकता किसी मुकदमे में किसी के हक में या किसी की हिमायत में वो गवाही नहीं दे सकता वो इस काबिल नहीं रहा कि उससे गवाही ली जाए इतना घिनौना और इतना शदीद इल्जाम और गलत इल्ज़ाम उसने किसी शख्स के ऊपर या किसी खातून के ऊपर लगाया अब उसकी गवाही कबूल नहीं है मरने तक व उलाय कहमल्फ़ासकून और वह इंतहाई बदकार और इंतहाई गनावना और गुनाहगार शख्स है जिसने इस तरह की हरकत की है ये तीन सज़ाएँ बयान की और इन तीन सज़ाओं में से एक सज़ा से ये इस्तना दे दिया गया किबू माल असल हु हाँ अगर कोई तोबा कर ले तो तौबा करने से उसका फासि होना शायद ख़त्म हो जाए ये अल्लाह का मामला है अल्लाह उसे अब फासकी में शुमार करता है या नहीं करता लेकिन जो पहली दो सज़ाएँ हैं वो बहरहाल उसके ऊपर जारी होंगी तोबा करने के बावजूद भी जारी होंगी ये पैमान अगर वो कर लेता है हलफ उठा लेता है कि आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा उसके बावजूद भी अस्सी कोड़े की सज़ा और शहादत के नाकबिल कबूल होने की सज़ा उसे बहरहाल दी जाएगी चुनाच हकता आला जल्शान इस बात को बयान करते हुए आयत मुबारक नंबर ग्यारह से छब्बीस तक वाक को जिक्र फरमा रहे वाक़ इफ क्या है वाक़ है एक नागवार वाक़ नाखुशगवार वाक़ है जो सन पाँच हिजरी में उस वक्त पेश आया कि जब गज़बन मुस्तलक से वापसी हो रही थी नबी करीम की और आपके सहाबा की और वह वाक़ असल में यूं हुआ कि एक जगह पड़ाव किया लश्कर इस्लामी ने हज़रत आयशा सिद्दा रदी अल्लाह तथा फरागत के लिए ज़रा एक तरफ को गई और वहाँ से वापस आ रही थी तो उनके गले में जो हार था वो टूट गया और उसके मन के मोती जो थे वो बिखर गए वो उन मोतियों को जमा करने में लग गई और इतनी देर में काफ़िले की रवानगी का वक्त हो गया अब वो पालकी थी जाहिर है पालकी के ऊपर पल पर, पर्दे पड़े हुए थे उसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बैठा करती थी और जो इसके लिए मुतन लोग थे वो उसको ऊँट पर रख दिया करते थे ऊँट पर रख दिया गया ये समझ कर के हज़त आयशा सिद्दीक़ा अंदर बैठी हुई हैं दर हकीकत वो उसमें मौजूद नहीं थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जब पहुँची वहाँ पर उस जगह पर तो देखा तो काफिला रवाना हो चुका है हज़रत आयशा सिद्दीक़ रदी अल्लाह तहली पढ़ी और वहीं बैठ गई कि ज़रूर रसूल सल वसलम को जब पता चलेगा कि मैं नहीं हूँ तो वह वापस आएंगे या किसी को भेजेंगे मेरे लिए सफवान इब्ने मातल क़ाले के पीछे रहते थे और उनकी ड्यूटी ये होती थी कि जहाँ जहाँ काफले का पड़ाव किया जाए वहाँ वो बाद में जाएं और ज़रा देख लें कि किसी की कोई चीज़ रह तो नहीं गई कोई ऐसी चीज़ या कोई फ़र्द तो नहीं रह गया वो सफ़वान इब्न मातल वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दर रदी अल्लाह तहा को बैठे हुए देखा हज़रत आयशा के सामने उन्होंने अपना ऊँट बिठा दिया और हज़रत आयशा ताला उस पर सवार हो गई और सफवान के साथ पीछे पीछे जाकर उस काफिले से जा मिली जब हज़रत आयशा काफिले से जा मिली तो अब्दुल्लाह अब्दुल्लाबन उबई जो मुनाफिन का सरदार था उसने एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचाना शुरू कर दिया और ये बातें फैलानी शुरू कर दीं कि ये इन दोनों का आपस में पहले से तयशुदा को मनसूबा था कोई इनके आपस में रवाबित हैं कोई इस तरह के तल्ल हैं और इंतहाई घिनाओ ने इंतहाई बदकसम के इल्ज़ाम के जिनको ज़ुबान पर लाते हुए हजरत आयशा के हवाले से हजरत आयशा की तहारत और पाकिजगी के हवाले से उनको ज़ुबान पर लाना भी इंसान के लिए शायद गवारा और बर्दाश्त ना हो और उसने अपनी चर्व जबानी से अपने बातों से बाद बेचारे भोले भाले और मासूम मुसलमानों को भी जो है वो मुतासर कर लिया और वो भी ये समझने लगे कि शायद वाकई ऐसी बात है और ये नबी यह करीम अलैहि व्म के घराने के ऊपर एक बड़ा शदीद कस्म का हमला था और इस तरह की अफवाहें और इस तरह की खबरें फैलाकर रसूल सल्ला व्म के घर की जो तहारत और पाकिजगी थी और सिद्दीक अकबर के घर की जो तहारत और पाकिजगी थी उस तहारत और पाकिजगी को सबोटैच करने की बड़ी नापाक कस्म की कोशिश थी लेकिन अल्लाह ताला ने उस नापाक कोशिश को नापकाम बना दिया इस इन आयात मुबारक़ा से कि जिन आयात मुबारका में हकता दिल्लों होने हज़रत आयशा सिद्दारदी अल्लाह ता की बरात और पाकिज़गी को बयान किया और बिल्कुल उसी तरह बयान किया जैसे हम सूर्य मरियम में पढ़ रहे थे हज़रत मरीम आसमाम की पाकिजगी को बयान किया था उनकी बरात को बयान किया था अल्लाह हजरत आयशा सिद्दीक़ार रदी अल्लाह तह की बरात और पाकिजगी को भी इसी तरह बयान किया और रवायात सीरत के अंदर इमाम बुखारी रमत ने इस वाक़े को बड़ी तफसील के साथ नकल किया है सही बुखारी के अंदर और उसमें एक बड़ी ख़ूबसूरत बात हमें नज़र आती है वो ये कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ार रदी अल्लाह तह कोई इब्तदान तो कुछ पता नहीं चला कि क्या तूफ़ान बदतमीज़ी मिचा हुआ है उनकी कुछ तबीयत ख़राब हुई मदीना मुनवरा पहुँच कर तो उन्होंने इजाज़त ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने वालदा के घर चली गई वो वहाँ रह रही थी तबीयत उनकी कुछ ख़राब थी बाद में उन्हें पता चला कुछ अरसा गुजरने के बाद कि इस तरह की बात हो रही है उससे ज़ाहिर है कि उनकी तबीयत और ख़राब हुई और और रनजो मलाल की कैफियत उनके ऊपर तारी हुई एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत रसोल्ला हज़रतरद्दीक़ के घर तशरीफ़ लाए और सिद्दीक़ अकबर के घर तशीफ लाए थे तो आप पर वही के आसार शुरू हो गए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं रसूल सल्लम पर वही नाजिल हो रही थी और हम आसार देख रहे थे वही के मेरे वालिद भी और मेरी वालदा भी दोनों शदीद कस्म के इसतराब और बेचैनी के अंदर मुबला था शदीद टेंशन थी न मालूम क्या आयात नाजिल हो जाए ना मालूम क्या वही नाजिल हो जाए लेकिन मैं मतमईन थी इसलिए कि मुझे तो मालूम था कि मैं पाकिज़ा हूँ मेरे अंदर कोई ख़राबी नहीं है और मेरा अल्लाह मेरी गवाही देगा और यही हुआ कि वही के नज़ूल के आसार ख़त्म हुए तो रसूल सल वसम ने मुबारकबाद दी हज़रत आयशा सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हा को हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं तो इस शत पर इतनी ख़ुश हूँ कि अल्लाह त मेरी बरात और पाकिज़गी के ऊपर आयात मुबारक कुरानी आयात नाजिल फ़रमाई हैं वो कुरानी आयात जो क़्यामत तक तिलावत की जाती रहेंगीमत तक हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तह की बरात और पाकिज़गी को मिम्बर महराब के अंदर पढ़ा जाता रहेगा दुरू कुरान में बयान किया जाता रहेगा और हजरत आयशा सिद्दीक़ ताहरा की पाकिजगी को और बरात को बयान किया जाता रहेगा चुनात हक तला जल्लान हूँ इसी बात को बयान करते हुए अरशात फुरमाते जाऊबिल बिन कुम एक ग्रोह था जिसने इस तरह की बात की है तुम्हें चाहिए था कि तुम पहले ही मरहले के ऊपर ये कह देते कि नहीं ये तो बहुत बड़ा और बहुत झूठा इल्ज़ाम है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था अगर अल्लाह का फजल ना होता तो जितने लोगों ने यकीन किया इस बात के ऊपर अल्लाह का आज़ाब उनके ऊपर नाजिल हो जाता इन बातों को बयान करते हुए हक्तानू हु, माशरे को पाकिज़ा रखने और इस तरह की खबरों और अफवाहों को फैलाने से बचने के लिए एक बुनियादी असूल इर्शाद फरमा रहे हैं और वह बुनियादी ओसूल क्या है कि या एजीना आ मन ला तब खुतवात शैतान ए ई वालो देखो शैतान के नक्श कदम पर न चलना इसलिए कि व मैं यद तब ख़ुतवातान फ़िन यकमर उबिल्फा शाह अगर तुम शैतान के नक्श कदम पर चलोगे तो शैतान का काम तो है ही यही कि वो बेहयाई का और बुराई का ही हुक्म देता है आपको याद होगा कुरान ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो वाकया नकल किया था कि जहाँ इबलीस ने हज़रत आदम हव्वा को बहका कर उस फल के खाने पर राज़ी कर लिया था और हज़रत आदम हव्वा ने वो फल खा लिया था तो उसका पहला असर क्या हुआ था कि लिबास जन्नत आदम हव्वा के ऊपर से उतरने लगा था तो बनी आदम पर भी शैतान का जो हमला होता है और सबसे मौसर और ताकतवर जो हमला होता है वो यही फाशा और मुनकर बेहयाई और गुरी फैलाकर और उस पर आमादा करके होता है आज भी शैतान का सबसे से मौसर हमला और सबसे मौसर हथियार यही बेहयाई और गुरियनी है कि जिसको फैलाकर इंसान को वो गुमराह करता है और उसे गुमराही के दहाने के ऊपर लेके जाता है लिहाजा ये बात याद रखना कि शैतान की इस तरह की हरकतों से हमेशा बाध रहना फिर मजीद माशरे की पाकिजगी के अहकाम बयान करते हुए ये बात इर्शाद फरमाई गई कि या युनाबेबा तस्ता किसी के घर में दाखिल होने के आदाब क्या हैं वह आदाब बयान करते हुए एक बड़ी खूबसूरत बात की गई कि देखो ला तुलू बुता गैर भयूतुम अपने घर के अलावा अगर किसी और के घर में जा रहे हो तो पहले इजाज़त लो दाखिल होने से पहले हत् तस्ता अनसू व तो सलम अ दाखिल होने की इजाज़त लो इजाज़त मिल जाए तो दाखिल हो और घर वालों को सलाम करो झालकम खैरकुम लाकुम तज करून इसी में तुम्हारे लिए भलाई और बेहतरी है अगर तुम नसीहत हासिल करो ये एक अदब बयान किया गया दूसरा अदब यह बयान किया गया कि अलैकुम अन लाईकुम गैर बुतरा मस्कून मताउ लकुम ख़ाली घर है और उसमें तुम्हारा सामान रखा हुआ है तो उस घर में दाखिल होने में कोई हर्ज नहीं है ये जो हमारे यहाँ एक मिसल मशहूर है कि खाना ख़ाली रात देव के जो घर खाली होता है उसमें जिन भूत आ जाते हैं लिहाजा उसमें नहीं जाना चाहिए ऐसा नहीं है हक ताला हक्त आदिल्लशाहान फरमाता है कि अगर तुम्हारा घर खाली पड़ा हुआ है उसमें तुम्हारा साधो सामान है उसमें दाखिल होने में कोई हर्ज नहीं है हाँ अलबत्त यह बात है कि इंसान ख़ाली घर में भी दाखिल हो तो खाली घर में भी दाखिल होने के बाद वो अस्सलाम वालेकुम कहे अगर बिलफर्ज़ जिन्नात हैं भी वहाँ तो फिर वो कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे अल्लाह की सलामती का पैगाम जब उन जिन्नात को मिलेगा तो वो भी हमारे लिए सलामती का पैगाम बन जाएंगे ये एक तालीम फिर मजीद तलीम दी गई कुल्लमी अबसारजु फुरूज हम लाल काज कहुल्लाबीर उमायसना अहल ईमान मरदों से कह दो कि वह अपनी निगाहें नीची रखें अपनी निगाहें नीची रखें इसलिए और अपनी इज्जत नामो की हिफाज़त करें अपनी इज़्ज़त असमत की हिफाज़त करें लाल का अजकालहुम यह उनके लिए बहुत पाकिज़ा बात है ये जो इंसानी नजर है ये नज़र आप समझ लीजिए ये शैतान का पहला तीर होता है और यहीं से आगाज़ होता है वो जो शैतान की बात की गई ना कि यहाँ इवल मुनकर उस उस मुनकर का और उस फाशा का आगाज़ इंसानी नज़र से और आंखों से होता है लिहाजा सबसे पहले अपनी नज़र की हिफाजत करना अपनी नज़र को सीधा रखना अपनी नज़र को जो है वो झुका कर रखना और इसी तरीके से मोमिन ख़वातीन के लिए भी ये हुक्म है कि योगजुज मिन अबसारह व नफरूज हन्ना कि वो भी अपनी इज्जत व नामूस की हिफाजत करें और अपनी निगाहें नीची रखें निगाहों को इस तरह न घुमाएँ कि निगाहों के उस तरह घुमाने से लोगों के अंदर एक इरत्याश पैदा हो लोगों के अंदर बेचैनी पैदा हो ये सूरत हाल ना हो वला ज़ी ज़ीनतहुन्ना और पर्दे के अहकाम पर अमल करती रहें अपनी जेब वीनत को ज़ाहिर न करें चुनाच इस ज़मीन में हक़ तला शानहु ने लड़की के लिए कुछ महरम रिश्ते बताए कि उन महरम रिश्तों के सिवा बाक़ी सब से पर्दा करना एक बच्ची के लिए एक लड़की के लिए ख़ातून के लिए ज़रूरी है और वो क्या हैं रिश्ते इल्ला जीनातनाबूलहना शौहर शौहर का वालिद औ आबा अपने वालिद अपना भाई अपने भतीजे अपने भांजे ये वो लोग हैं कि जो महरम हैं अपने वालिद, अपने वालिद के भाई यानी चचा अपनी वालदा अपनी वालिद वालदा के भाई यानी मामू अपने भांजे अपने भतीजे ये सब महरम रिश्ते हैं नाना दादा ये सब महरम रिश्ते हैं इन महरम रिश्तों के सामने तो औरत पर्दे के बग़ैर आ सकती है बाकी तमाम लोगों के सामने उसे पर्दे के साथ आना चाहिए और उसे पर्दे की पाबंदी और अपनी निगाह की पाबंदी करनी चाहिए ताकि वो किसी और गलत चीज़ के अंदर ये वो चीज़ें हैं कि जिसको अल्लाह ताला बार बार कहता है तकरबुल फवाहिशा कि बेहयाई के करीब भी ना जाना ये वो रुकावटें हैं कि जो इंसान को बेहयाई में कहीं मुब्तला करने वाली होती हैं व अयामा मिनकुम अन केयामिन वालबाद वा इमाइकुम एक और बड़ी अच्छी तालीम दी जा रही है कि माशरे की पाकीज़गी के लिए यह भी ज़रूरी है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उनकी शादी जो है वो जल्दी कर देनी चाहिए अच्छी उम्र में ऐसी उम्र में कि जहाँ उनकी जवानी जो है वो बढ़ रही है उस जवानी को पाकिज़ा रखने के लिए उनकी शादी और उनके निकाह का काम जल्दी कर दिया जाए और यही वजह है कि शरीयत इस्लामिया ने शादी ब्याह को बहुत आसान बनाया है ये तो हमने मुश्किल बना लिया शादी ब्याह को और इस तरह बना लिया कि जिसके लिए हमें बहुत ज़ेर बार होना पड़ता है वगरना शरीयत इस्लामिया ने शादी ब्याह को जितना आसान और जितना सस्ता बनाया है शरीयत इस्लामिया के कुर्बान जाइए चुनाच इस बात को बयान करते हुए हक हक़ल्लान अपने नूर की मिसाल बयान करता है अल्लाह नूरुस्मावाद मसल नूर ही कमिश्कानफ़ीहा मिसबा अलमिसबाफी जुजा अजुका को कब्रिय अल्लाह का नूर ऐसा है जैसे एक चिराग है और वह चिराग एक ताक़ के अंदर रखा हुआ है कि बड़ा महफूज है हवा उस चिराग को बुझा नहीं सकती यानी जो शख़्स अल्लाह के नूर से अपने कल्ब को मुनवर कर लेता है दिल है ना जो एक ताक में रखा हुआ अल्लाह ताला ने पसलियों के दरमियान सीने के अंदर रखा हुआ है उस चिराग को अगर अल्लाह के नूर से इंसान रोशन कर लेता है तो फिर ये पसलियाँ ये चीज़ें अल्लाह की हिफाजत कर उस रोशनी की और उस नूर की हिफाजत करने वाली होती हैं फिर वो नूर दिल से निकलता नहीं है लेकिन वो नूर आता कैसे है किस तरीके से ये नूर दिल में पैदा होता है फ़रमाए ये नूर इस तरह पैदा होता है कि वज़ करा फ़ी हसम हूँ कि अल्लाह का ज़िक्र किया जाए अल्लाह के नाम को बुलंद किया जाए युसफ बलहू फ़िहा बिल गुदोबल आसाल अपने घरों में सुबह शाम अल्लाह की तस्वीर और हम्द सना को बयान किया जाए ये सिफात अपने अंदर पैदा की जाए और ये सफ़त भी पैदा की जाए कि रिजाल तही हिम तजारत ज़िक्र व का सलात व इताज़क़ा इता 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 इत कि ऐसे लोग हैं कि उनके दिलों में ये चिराग रोशन होता है उनके दिलों में ये नूर मुनवर होता है और रोशन होता है कि जिनकी तजारतें और जिनके दुनियावी मशाइल उन्हें नमाज से और ज़क़़त से रोकने वाले नहीं होते यूँ नहीं होता कि वो अपने कारोबारी ज़िंदगी में इतने मुनहमक और मशगूल हो गए कि नमाज ही को भुला बैठे और वो याद नहीं रही जक़ात ही अदा की अदा करने को भुला बैठे और वो याद नहीं रही ऐसा नहीं है और यखाफू नौमन तकल्लबूफ़ी क़लूब अल अबसार नमाज को और ज़क़़त को कायम करने के साथ साथ वो उस दिन से डरते रहते हैं कि जिस दिन न नज़र कहीं ठहरेगी वो भी पलट जाएगी और न दिल कहीं ठहरेगा वो भी उलट पुलट होता रहेगा उस दिन इंसान का हाल क्या होगा ना मालूम क्या होगा उस दिन से वो उस हिसाब के दिन से वो डरते रहते हैं इन मजामी के साथ साथ सुर नूर के मजामी मुकम्मल होते हैं और सरह फुरकान के मजामी का आगाज़ होता है शुरह फुरक़ान मक्की शुरह मुबारक है इसमें सतत्तर आयात हैं और छः रुकू हैं और पहली बीस आयात यानी आयत मुबारक नंबर एकता बीस ये अठारहवें पारे के अंदर हैं और उसके बाद इक्कीसवीं आयत से उन्नीसवें पारे का मज़मून शुरू हो जाता है तबारी नज्ल फ़ुरान अब आलमीन नज़ीरा इस सूर मुबारक में भी हक तलाशान हूँ इन इस्लाम के बुनियादी अकायद को बयान फरमा रहे हैं कि अक़दे नबूवत क्या है, हैद रसालत क्या है, हैद आखिरत क्या है और वो किस तरह का होना चाहिए अकीद तोहद क्या है के हक़ तलाशाहान उन लोगों को सज़ा से और अज़ार से दो चार करेगा जो अल्लाह के साथ कुछ किसी को शरीक ठहराते हैं और नबोवत और रसालत के बारे में उनका ये एतराज़ होता है कि माँ लिहा हाजर रसूल याकुलतमय लौला लौला ही मलकफ़ून नज़ीरा कि अगर कोई फ़रिश्ता नबी बन कर होता और वह हमें डराता तो हम उसकी बात मानते ये वही एतराज़ है जो गुजशत मुलाकात के अंदर भी गुजर चुका और जिस पर तफसीली बात हुई इन्हीं मजामी को बयान करते हुए हक्ता आला दिल्ल ये बात अरसाद फरमाते हैं कि अल्लाह इंसानों ही में से अपने नबी और रसूल मबूस फ़रमाता है वमा अरसल कबल कमिनमरसिनलाफिल के वह आम इंसानों की तरह खाते हैं और खाने के मोहताज होते हैं बाजारों में चलते फिरते हैं कारोबारी ज़िंदगी करते हैं और कारोबारी जिंदगी माशरती ज़िंदगी गुजारते हैं उनके मामला होते हैं लेन देन और ख़रीदो फरोख के मामला होते हैं वजह आलना फितना और ये एक आजमाए शहरिक इम्तहान है कि इसके ज़रिए से तुम अपने मामला उसी तरह सुधारो जिस तरह अल्लाह का नबी अपने मामलात को करता है तस्बिरून वकान और का बसीरा अगर तुम अल्लाह के दिए हुए उन अहकाम के ऊपर अपने आप को ठहरा लोगे अल्लाह के रसूल की इताद के ऊपर अपने आप को ठहरा लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है तुम्हारे एक एक अमल को देख रहा है और वह एक, एक अमल की जजा और उसका बदला देने वाला होगा इन मजामीन के ऊपर अठारहवें पारे के मजामीन मुकम्मल होते हैं उन्नीसवें पारे के मजामी आइंदा मुलाकात में इनशा लजीज़ आब के सामने पेश किए जाएँगे अल्लाह ताली हमें क़ुरान के इन अहकाम को समझने और इन पर अमल करने की हिम्मत व तोफ़ी कता फ़रमाए आमीन व आखिर दावाना अनिलदुल्ल रबीआलम الله الله الله